ऐसा है कि बंदर के हाथ में उस्तुरा दे देने से वो हजाम या नाई नहीं बन जाता है। यही हाल हुआ है तालिबान का। तालिबान को पाकिस्तान ने सख्ती जरूर दे दी, लेकिन अब तालिबान और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी शुरू कर दी है। हामिद करजई, वैसे आप देखेंगे इन्हें तो आपको लगेगा अरे ये तो अफगान के पूर्व शासन काल में थे, अभी इनकी क्या औकात है, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इनका तालिबान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। इस वक्त तालिबान को नहीं आता है शासन चलाना, और ऐसे में तालिबान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर इनके जो प्रमुख सलाहकार हैं हामिद करजई का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर ही टूटा है। तो वहीं पाकिस्तान ने एक नई मिसाइल छोड़ी है, लेकिन ये मिसाइल तो S-400 का नाश्ता है। S-400 के डर से अब पाकिस्तान क्या कुछ करने लगा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पहले तो ये जान लीजिए, जो OIC की बैठक हुई, उस OIC की बैठक में झोली फैला रहा है पाकिस्तान तालिबान के लिए कि पैसे दे दो। लेकिन तालिबान की तरफ से अब सीधे ये आ गया है कि आप हमारे मामले में मत पड़ो, और आपकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर अशांति और आतंक है। बिल्कुल यही लाइन तालिबान ने इस्तेमाल की है पाकिस्तान के लिए। ये आप सोचेंगे कि सूरज तो बिल्कुल पश्चिम से निकल आया, तो ऐसा ही हुआ है। अब ऐसा क्या हो गया, OIC की मीटिंग तो भले के लिए रखी थी, फिर तालिबान ने ऐसा क्यों कह दिया। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद करजई ने कहा है कि सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान है, जिसने हमारे देश में आतंक फैलाया, और आज ISI हमारे देश में आतंक को और भी ज्यादा आगे ले जा रही है। अब आपको एक बात बता दें, हामिद करजई इस वक्त तालिबान के सलाहकार में आते हैं। वैसे तो इस वक्त तालिबान ने एक बड़ा ब्लंडर किया है, और उस ब्लंडर में अपने ही दुश्मन के खाते में लाखों डॉलर कर दिए हैं ट्रांसफर। और ये भूल हुई कैसे है, तो आपको बता दें, वैसे खुद तालिबान कंगाली से गुजर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, जो अमेरिका का दूतावास बंद पड़ा हुआ है उसके सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो आपने अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है वो हमें खोल दो, हमें पैसे दे दो, हम भूख से मर रहे हैं। पर इन सब के बीच में बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई है ताजिकिस्तान, और वो भी डॉलरों में। और जैसे ही अपनी गलती का ज्ञान हुआ है तालिबान को, वैसे ही तालिबान ने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। पर ताजिकिस्तान ने, जो पहले से ही खफा है तालिबान से, उसने सीधे कह दिया कि हम आपको पैसे वापस करने वाले नहीं है। अब ये पैसे चले कैसे गए, पहली बात तो ये है कि तालिबान बिल्कुल इस वक्त उसे पता नहीं है कि शासन चलाते कैसे हैं और शासन चलता कैसे है। दूसरी बात ये कि जब अशरफ गनी की सरकार थी, तब अशरफ गनी सरकार ने एक फंड देने की बात की थी, और इस फंड के तहत एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना था ताजिकिस्तान क्यों कर रहे थे, तो आपको बता दें, चूंकि पहले बॉर्डर वगैरह खुला रहता था, तो अफगान के कई शरणार्थी पहुंच जाते थे ताजिकिस्तान में। तब ताजिकिस्तान के साथ अशरफ गनी ने एक डील की कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल बनवा दो आप। और स्कूल बनाने के लिए जब ताजिकिस्तान ने फंड मांगा, तो फिर अफगानिस्तान की उस समय की अशरफ गनी सरकार ने वो फंड पास कर दिया। पर किसी वजह से वो फंड रुका हुआ था, वो अभी तक ताजिकिस्तान पहुंचा नहीं था। अब टेक्निकल गलती कहें, कोई बटन दब गया, क्या हुआ है, लेकिन तालिबान सरकार की तरफ से ये पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। अब ताजिकिस्तान, जो पहले से ही गुस्साया हुआ है क्योंकि पंजशीर में बहुत बुरे हालात पैदा किए, खास करके ताजिक समुदाय के लोगों के साथ, तो ताजिकिस्तान ने सीधे ये कह दिया है कि हम आपको पैसे देने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ OIC की मीटिंग के दौरान इमरान खान की जुबान चूकी, और इमरान खान ने ये कह दिया कि अफगानिस्तान को और तालिबान को दुनिया अकेला न छोड़े, इन्हें पैसे दे, इनको मानव अधिकार और मौलिक अधिकार मिले। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली लाइन इमरान खान ने ये कह दिया कि अफगानिस्तान में बहुत सारे आतंकी पैदा होते हैं, और ये आतंकी पाकिस्तान में आकर तबाही मचाते हैं, इसलिए अफगानिस्तान को देखना संभालना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद जरूरी है। ये बात बुरी लग गई तालिबान को। वैसे आपको बता दें, पहले ही तालिबान के फोटो सेशन में नहीं आने से तालिबान गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात ने तो बिल्कुल आग में घी का काम कर डाला, और पाकिस्तान के ऊपर बौखला गए पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, और उन्होंने सीधे ये
कह दिया कि हम आतंकी देश नहीं है बल्कि पाकिस्तान है आतंकी देश। पाकिस्तान की वजह से आईएसआई का संचालन हो रहा है और हमारे देश में तबाही मच रही है। वैसे ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल ये तो होना था जो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ अफगानिस्तान अब खुद भस्मासुर बनकर निगलने को तैयार है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जो लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और अब पंजाब में S-400 की तैनाती कर दी है, इससे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सैन्य शासक और पाकिस्तानी राजनीति में उथल पुथल मच गई है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को, अपने आवाम को, अपनी जनता को ये दिखलाना है कि हम भारत से पीछे नहीं हैं और अगर युद्ध होता है तो हम भारत के ऊपर हावी होंगे। इसको लेके पाकिस्तान लगातार अपने वैज्ञानिकों पर दबाव बना रहा था। ऐसे में अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने सतह से सतह पर मार करने वाले बाबर क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। बाबर मिसाइल को वैसे जो पाकिस्तानी बताते हैं कि वो पारंपरिक और गैर पारंपरिक यानी दोनों ही तरह के हथियार, परमाणु हथियार या नॉर्मल पेलोड भी ले जा सकते हैं और इसकी मारक क्षमता है 900 किलोमीटर। पाकिस्तानी सेना का बयान है कि बाबर क्रूज मिसाइल 1B अपने पिछले मॉडल से दुगनी दूरी तक मार कर सकेगा और सटीकता से मार कर सकेगा। यहाँ तक कि इस बाबर मिसाइल के परीक्षण के बाद बधाइयों का ताता लग गया। राष्ट्रपति ने अपने वैज्ञानिकों को और इमरान खान सरकार को भी बधाइयां भेज दी। लेकिन आपको बता दें, ये मिसाइल भारतीय S-400 के लिए नाश्ते का काम करने वाली है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पंजाब सेक्टर में तैनाती शुरू कर दी है S-400 की, तो वहीं अपने लड़ाकू विमान Sukhoi-30MK-1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लगाकर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। आपको बता दें, ब्रह्मोस को लेकर चीन भी डरता है और अब तो ब्रह्मोस में हर बार नए आयाम जोड़ने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी इसे परीक्षण किया गया है Sukhoi-30MKI के साथ, तो वहीं जल्द ही MiG-29, तेजस और राफेल इन सब में इसे लगाकर इसका सफल परीक्षण किया जा रहा है एयर टू एयर वर्जन का, ताकि अगर युद्ध होता है तो ब्रह्मोस को दागने के लिए कोई भी विमान सक्षम हो और किसी खास विमान का इंतजार न करना पड़े। तो एक तरफ जहां पाकिस्तानी वायुसेना को और पाकिस्तान के इन मिसाइलों को संभालने के लिए S-400 काफी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर तबाही मचाने के लिए ब्रह्मोस, तेजस, MiG-29 और Sukhoi-30MKI को तैयार कर रहा है भारत। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या होगी, और अपनी जनता को खुश करने के लिए वो ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करेगा ही। वैसे आपको क्या लगता है, बहुत जल्द अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव शुरू होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।